अगर वो टेररिस्ट होता या ये कि कोई कोई देशद्रोही गतिविधियों में होता तो वो पब्लिक प्रोग्राम करता, वो टीवी के डिबेट शेयर करता, वो टाइम्स नाउ पे गया, वो जी न्यूज पे गया, उससे पहले उसके बाद भी वहां मौजूद रहा। और ये जो इवेंट आज हुआ है, यानी जिसको आप ऑब्जेक्शनेबल कह रहे हैं, वहां उससे पहले 2 बार हो चुका है, लेकिन कभी आपने उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। आज आप इसको इश्यू बनाकर पूरे देश के वातावरण को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। एक छोटा सा इवेंट था, मेरा मानना है कि यूनिवर्सिटी के अंदर कोई गलत काम हुआ तो ये यूनिवर्सिटी का यानी जो ज्यूरिसडिक्शन था कि यूनिवर्सिटी उसको देखती कि ये गलत हुआ है सही, और यूनिवर्सिटी को ही इसको इन्वेस्टिगेट करने का हक हासिल था, जैसा कि यूनिवर्सिटी ने कमेटी अपॉइंट की। वहां पुलिस को भेजकर उस पूरे कैंपस को एक पुलिस छावनी बना देना, इसलिए क्या आप उसकी इस जो जेएनयू की विचारधारा से सहमत नहीं है? तो ये सही अप्रोच नहीं है। जेएनयू जो है हमारे देश की एक बहुत ही प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी है, उसको जाकर पूरे कैंपस को जो है एक पुलिस छावनी में तब्दील कर देना, आप एक गलत मैसेज दे रहे हैं पूरे देश के सामने। हमारे यंगस्टर्स को जो है आप डरा रहे हैं, हमारा मुस्तकबिल जो है देश का उसको उस, 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 उसकी उसके विचारधारा पे कदम लगाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे ख्याल से ये चीज सही नहीं है, एक बात। दूसरी बात, जहां तक उमर के वेयर अबाउट का ताल्लुक है, हम खुद चिंतित है इस बात को लेकर, और मैंने खुद प्रेस के जरिए से 2-3 बार अपील की उमर से कि उसे 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 कोर्ट के सामने आना चाहिए, उसे इस देश के कानून को फेस करना चाहिए, उसे जो है अपने आप को सरेंडर करना चाहिए, और हमें पूरा विश्वास है कि देश का जो कानून का जो फैसला होगा वो बिल्कुल सही होगा, और हमारी यानी न्यायपालिका पे हमें हमारी जो जुडिशरी है उसके ऊपर हमारा पूरा विश्वास है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आज जिस किस्म का वातावरण पैदा कर दिया गया है, जय अदालतों के कैंपस भी महफूज नहीं है, जर्नलिस्टों पर भी हमले हो रहे हैं, जो लोग काले कोट पहन के वकालत करते हैं, इंसाफ दिलाने की बात करते हैं, वो खुद गुंडागर्दी पे उभर आए हैं, वो खुद हमले कर रहे हैं लोगों के ऊपर में, तो ऐसे वातावरण के अंदर किसी आदमी को जिसको अपनी जान प्यारी हो वो आकर सरेंडर करेगा? आप ऐसा वातावरण पैदा कीजिए ना, हमारे होम मिनिस्टर को आगे कहना चाहिए कि हम पूरी सेफ्टी और सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे, आइए सरेंडर कीजिए, आपके साथ इंसाफ होगा, ये बात सामने आनी चाहिए। हमारी पुलिस खड़ी रहती है, यानी साइलेंट इंस्पेक्टर बनी खड़ी रहती है जर्नलिस्टों पर, हमारे यानी पत्रकारों पर हमले हो रहे हैं, लेकिन साहब हमारी पुलिस म्यूट स्पेक्टेटर है, खड़ी हुई है वहां, हमारे यानी यानी कोर्ट रूम के अंदर का नहीं, यहाँ पे हमला हो रहा है, लेकिन साहब आप देखिए वहां उसको बचाने की कोशिश नहीं हो रही है। तो साहब आप ऐसा ऐसा सेफ यानी फुल प्रूफ एटमोसफियर प्रोवाइड कीजिए कि कोई आदमी आकर इसके लिए तैयार हो कि हाँ मैं फेस करना चाहता हूँ ट्रायल को, हाँ फेस करना चाहता हूँ, मैं जुडिशरी में सामने आकर अपने आप को सरेंडर करना चाहता हूँ, पुलिस से सामने सरेंडर करना चाहता हूँ। हम चाहते हैं उसको सरेंडर करना चाहिए, हम खुद चिंतित है, हमें पता नहीं है कि वो वाकई में बाहर भी है या पुलिस ने उसको अरेस्ट कर रखा है, हम नहीं जानते, हम पुलिस हमसे ना पूछ रही है ना हमको बता रही है कुछ इस सिलसिले में, तो हम खुद उसको लेकर चिंतित हैं इस वक्त में कि